नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम एक बार फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही आवारा घूम रही गायों की गौशाला बनाए जाने व किसानों को आवारा मवेशियों से छुटकारा दिलाए जाने के दावे करती हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जनपद बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव किरतपुर में फसलों को नष्ट कर रहे आवारा 60-70 गायों को पकड़कर किसानों ने प्राथमिक विद्यालय में बंद कर अधिकारियों को सूचित किया, परंतु किसी भी अधिकारी ने सूचना मिलने के बावजूद भी आवारा गायों को देखने तक नहीं आए और किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचाने से इनकार कर दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि 60-70 गायें उनके गेहूं, तिलहन व अन्य फसलों को पूरी तरह नष्ट कर रही है, जिसके बाद संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को सूचित कर दिया गया। उन्होंने 2 दिन का अवकाश होने के कारण कोई भी सहायता पहुंचाने को लेकर ग्राम प्रधान से मना कर दिया। गांव वालों ने जब किसान नेता ब्लॉक अध्यक्ष से संपर्क किया तो उन्होंने जल्दी समस्या का समाधान न होने पर ब्लॉक नूरपुर प्रांगण में पशुओं को बांधने की बात कही और 60-70 मवेशी को प्राइमरी स्कूल के ग्रामीणों ने बंद कर दिया। कोई नहीं पहुंचा। हमारी सूचना ये सूचना सरकार के पास जानी चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में कुछ बाहर से लोगों ने आवारा पशु छोड़ दिए हैं। इतने पशु हैं 40-50-150 अंदर, ये भूखे प्यासे, इनके गोद की समस्या का समाधान होना चाहिए। सरकार हमारी बात सुने और इन ये फसलें भी नुकसान कर रहे हैं, पशु भूखे प्यासे हैं, ये इनकी जो गौशाला में कहीं व्यवस्था कराई जाए। किसान बहुत दुखी है इनसे। फोन करा आपने किसी को? हाँ, फोन भी करा। सबसे पहले ग्राम प्रधान को सूचना दी है, उन्होंने ईडियो वीडियो कहा है कि पटवारी साहब इनकी कुछ गांव वाले की मदद करें। सरकार तक ये बात पहुँचे हमारी, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब इनकी कोई समस्या का हल करें। ये अंदर जो इतने पशु बंध रहे हैं, देखो कितने पशु ये आवारा घूम रहे हैं, कुछ पशु बीमार भी हैं, इनमें डॉक्टर की जरूरत है। 50-60 पशु अंदर हैं, कुछ छोटे छोटे वे हैं लवारे। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।